पहले यहाँ पर शादी हॉल था यहाँ पर, तो यहाँ के बच्चों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर स्कूल चालू किया गया 104 नंबर, और इंशाल्लाह इसके ऊपर अभी स्कूल जो है छोटी पड़ रही है, दसवीं तक नहीं हो पा रही है, उसके लिए अभी हम लोग ने एक प्रपोजल डाला है इसके ऊपर एक स्लेब डालने का, तो ऊपर तीन रूम और बन जाएंगे, फिर उसके ऊपर जो टेरिस रहेगी और टेरिस के ऊपर पतरा से डाल के उसके ऊपर एक जिम डालने का वो भी एक प्रपोजल डाला गया था, जो यहाँ के नौजवानों को देखने में कि यहाँ के नौजवानों को भी अच्छी जरूरत है, तो उसके ऊपर एक जिम रहेगा और नीचे स्कूल रहेगा। उसी के साथ एक चीज़ और बताते चलूँ मैं कि अभी जो हमारी हेल्थ ऑफिसर जो दूसरा मैडम यहाँ पे थी, उन्होंने उनकी मेहनत से उन्होंने एक हेल्थ यहाँ पर जो है हेल्थ सेंटर भी पास करके दिया है, जो यहाँ पर बगले के पास में जो तीन गाले थे बड़े बड़े उसके अंदर जो है यहाँ पर एक दवाखाना सरकारी चालू होने जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर हम जो है गरीब मतलब सब लोगों को फ्री में दवा दिया जाएगा, फ्री में उनका इलाज होगा वहाँ पर, और अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ रही है वो लगा तो उसको यहाँ से रेफर करके आईसीएमएस में एडमिट किया जाएगा, तो ये बहुत जल्दी मैं यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी चालू करूँगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो शादी हॉल की जो जरूरत थी वो शादी हॉल का भी एक जगह जो ऊपर मेरी थी वहाँ पर मैं आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उसके ऊपर एक शादी हॉल बनाऊँगा देसी मोहल्ले में, ताकि वहाँ पर जो शादी यहाँ की जो शादी हॉल की जरूरत है वो भी पूरी हो जाए। और अभी हमारे मुल्तान भाई और अभिनव सर ने बताया स्कूल के बारे में, यदि यहाँ पर एक स्कूल थी वहाँ पर भी हम लोग अभी 1.10 करोड़ रुपये का फंड आया था मैंने, और उस फंड को ला के वो स्कूल रिपेयरिंग का काम चालू किया, तो ऐसे ही जो भी काम है वो होते रह रहे हैं इंशाल्लाह, और भी कोई काम होंगे तो आप उसको बताना इंशाल्लाह मैं वो पूरा करके दूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आज जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में कुछ कहूँगा। क्वालिटी से पहले शांति नगर के इस बहुत दूर दराज इलाके में हलीम नगर की इस छोटी सी बस्ती के अंदर, जहां पर ज़्यादातर मजदूर पेशा लोग और कम पढ़े लिखे या बेपढ़े लिखे लोगों की ये बस्ती है, इसमें यहां के कॉरपोरेटर हलीम भाई और हमारे सीआरसी अबरार पठान साहब और यहां के स्कूल के हेडमास्टर फिरोज़ खान साहब और इनके साथी असातिज़ा की मेहनत से स्कूल नंबर 104 जो गुज़िश्ता बरस कायम हुआ, आज इस महीने में उसको अल्हम्दुलिल्लाह एक साल मुकम्मल है। और इसमें हमने देखा कि बस्ती के यहाँ के जितने लोग हैं वो बहुत जोश व खरोश के साथ में, बच्चे बूढ़े जवान औरत और मर्द सब बहुत जोश व खरोश के साथ उन्होंने इस जलसे में हिस्सा लिया। पुलिस चौकी के सामने एक स्कूल है, एक स्कूल नंबर 103 है और एक पहाड़ी पर स्कूल है। ये तमाम स्कूलों तक जाने का रास्ता बहुत ख़राब रास्ता है, बहुत दूर है। 6 साल का बच्चा इतनी दूर जाने में उसको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से माँ बाप एडमिशन नहीं लेते थे स्कूल में। 12 साल होने के बाद 10 साल होने के बाद वो छठी में 5वीं में एडमिशन लेते थे, जब तक तालीम का बहुत नुकसान हो चुका होता था। इसलिए हमने इस इलाके की जो बिल्डिंग नज़र आई यहाँ पर अब्दुल हलीम साहब कॉरपोरेटर से हमने गुजारिश की कि हमारी मदद कीजिए और स्कूल यहाँ पर शुरू कीजिए। उन्होंने स्कूल यहाँ पर शुरू की। 5 टीचर उन्होंने अपने आप को पेश किया कि हम ये पहाड़ी इलाका ही सही, बीओडी का सबसे आखिरी कोना ही सही, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में ऐसी मेहनत की कि आज जो बेहतरीन प्रोग्राम आपके सामने नज़र आ रहा है। बच्चों की पूरी सालाना पूरे साल भर की मेहनत है, जो हमारे पूरे टीचर ने पूरे असातिज़ा ने लगातार मेहनत करके बच्चों को दिए हैं, और बच्चों ने ये उसे हासिल किया है जो आज 50 इनाम सर्टिफिकेट के साथ दिए गए हैं। ये हमारे स्कूल के सारे टीचरों की मेहनत है। शुक्रिया। नहीं सर, तो सर आपको क्या लगता है स्कूल में और क्या क्या कमी है जो आने वाले दिनों में पूरी होनी चाहिए? हाँ, स्कूल में सबसे बड़ी कमी जो है तो हमारे पास में टीचरों की होने वाली है, उसके साथ ही साथ हमारे पास में अगले ही साल में कमरों की कमी हो जाने वाली है। जिस तरीके से इस इलाके में जितने तादाद में बच्चे हैं उनके एडमिशन्स लगातार हमारे पास हो रही है, अभी भी एडमिशन हो रही है, और हमारे टीचर जो है तो इधर घर जा जा कर सर्वे करते हैं, वहाँ से बच्चे लेकर आते हैं, उनको हाजिर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में जो है तो टीचर के असामी अभी भरे जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ 5 टीचर मिले हैं और 5 टीचर से ज़्यादा जगह हमारे पास में है। अगर
क्लास बनता है और टीचर बनता है, मिलता है उसे, तो हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे सर? हमने हमारे जो सीआरसी अवार सर और कारपोरेटर हलीम भाई और एजुकेशन ऑफिस में जो है, तो हमने मांग की है कि हमें कुछ टीचर चाहिए करके, तो इंशाल्लाह उन देने का तो वादा किए है। ये सेहत भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सेहतमंद बच्चा ही इल्म हासिल करके आगे बढ़ सकता है, तो हमको बच्चों की सेहत के लिए भी ध्यान देना चाहिए, और एक सेहतमंद माँ एक सेहतमंद बच्चे को आगे बढ़ा सकती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे काफी लेडीज भी हैं, तो उन सबसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों का जो टीकाकरण है वो पूरा करिए। यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ, ये स्कूल में एक कैंप रखा गया था मीजल और रूबेला का, जब गोवर चली थी हमारे इधर, गोवर की साथ चली थी, मतलब वबा फैली थी, और भिवंडी के 4 बच्चों की इसी वबा की वजह से डेथ हो गई थी। तो उसके लिए हमको काफी कोऑपरेशन मिला था सारी स्कूल्स के, टीचर्स का, पेरेंट्स का, और बच्चों ने भी काफी साथ दिए थे, रैली निकाली गई थी। तो मैं चाहूंगी कि आपके जो भी बच्चे जिनका भी एक भी टीका बच गया है, तो उन सबका टीकाकरण कराइए और उनको सेहतमंद बनाइए, ताकि एक जो बेदार वालदैन होते हैं वही एक अच्छे बच्चे को, सेहतमंद बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये हमारा मुहिम भी चल रहा है 9 फरवरी से, तो हम हर स्कूल में जाके हर बच्चे का जो जन्म से लेके 18 साल तक के बच्चे, उनका चेकअप करने वाले हैं, और अगर उनको खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, किसी को ऑपरेशन की जरूरत है, किसी को आँख के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, तो हम उनको यहाँ से रेफर करके उसका पूरा इलाज होने तक उसकी कोशिश करेंगे कि उसका पूरा इलाज हो सके, और हर बच्चे की जांच एक स्कूल में डॉक्टर की तरफ से जरूर हो। तो मैं सबसे गुजारिश करूं कि आप इसके लिए हमको साथ दें और सब बच्चों का टीकाकरण पूरा हो, 5 साल 7 बार ये हमको ध्यान रखना है, सब बच्चों को पता है। तो मैं चाहूंगी सब बच्चे एक बार जोर से बोले, 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार, बोलिए बच्चों, एक भी बार, शाबाश। तो पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों का सब टीकाकरण कराइए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बीसीजी का टीका लग गया।